गुड मॉर्निंग टाइम हो गया है चार बज के फिफ्टी वन मिनट और फिफ्टी वन मैं उठी थी चार बज के चालीस मिनट पे क्योंकि कल हमको बोला गया है ना चार चालीस पर उठने के लिए एवरी डे ताकि आप ना ब्रश वग़ैरह करके थोड़ा फ़्रेश हो जाओ मैं भी ब्रश कर चुकी हूँ और पानी पीने आई हूँ पानी भी गर्म कर लिया मैंने वैसे तो उसमें बोल रहे थे ना कि अगर आप नहा सको तो ज़्यादा बेटर है लेकिन नहा नहीं सकती मैं इतनी सुबह सुबह तो भी ठंडे पानी से नहाने बोला है ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है थोड़ी ताजगी आ गई है अब मैं पानी पीऊँगी और पानी पीने के बाद बस सीधा कंप्यूटर ऑन करूँगी क्योंकि फाइव फोर फिफ्टी फाइव से स्टार्ट हो जाता है मैंने ना किचन में लाइट जला के रखा हुआ है ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना होगा ड्राॅइंग रूम में जलाती हूँ ना तो थोड़ा सा उजाला उधर जाता है और यहाँ जला लेने से फिर पूरे घर में ना थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाता है तो मैं वहाँ बैठने वाली हूँ कितना अंधेरा दिख रहा है ना मैं बैठने वाली हूँ डाइनिंग टेबल पर ही बैठती हूँ मैं नोट्स तो के लिए मैंने ये वाली डायरी ले ली है और पेन जो हमें बोला था कि कल रखना है अपने साथ में मुझे पता है आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सरिता ये क्या बता रही है कि ये करने के लिए बोलते हैं इतने बजे उठने के लिए बोलते हैं कौन बोलता है इतने बजे उठने के लिए और ये सब करने के लिए तो एक्चुअली इसे एक दिन पहले वाला व्लॉग मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की थी और किसी रीज़न से वो व्लॉग मैं नहीं डाल पा रही हूँ कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें मे भी अगर ठीक हो तो मैं आगे वो व्लॉग अपलोड कर दूँ तो उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था लेकिन वो नहीं डाल रही हूँ तो इसलिए ये वाले व्लॉग में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हो क्या रहा है तो एक्चुअली uh, मैंने एक चैलेंज ज्वाइन किया है सात्विक मोमेंट चैनल के थ्रू ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप की तरह है जिसमें आपको सुबह सुबह पाँच बजे उठ के पाँच नहीं फोर फिफ्टी फ़ाइव पे ज्वाइन करना होता है और फिर वन आवर तक वो कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं और कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं जो आपको करनी होती हैं और जो समझाते हैं सुबह उठने के फ़ायदे और चार बजे से छः बजे के बीच में उठने के फ़ायदे वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लन करते हैं तो मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग पर्सन बन जाऊँ सुबह सुबह बिल्कुल उठ जाऊँ लेकिन कभी वो पॉसिबल नहीं हो पाया कई बार क्या होता है ना हम कितना भी कोई चीज़ चाह लें चीज़ों के बारे में कितनी भी नॉलेज हो लेकिन हमको वो पुश नहीं मिल पाता है हम अपने आप उतनी करेज नहीं कर पाते हैं कि हम वो पहल करें और वो चीज़ स्टार्ट करें तो जब ये चैलेंज मैंने देखा बिकॉज मैं भी उनकी सब्सक्राइबर हूँ और जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि कुछ ऐसा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया क्योंकि बहुत टाइम से मैं ऐसा सोच भी रही हूँ और बहुत टाइम मैंने करने की भी कोशिश की लेकिन पाँच दिन दस दिन करने के बाद हमेशा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर जैसा हमारा एक्चुअल नेचर है ना वही साढ़े छः सात बजे तक उठने का वो बाहर आ जाता है तो इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि मे बी ये जो चैलेंज है ये लेने के बाद और इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो फिर उसका फल एक अलग ही होता है तो फिर मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया और अब मैं वही कर रही हूँ और अभी चार पाँच दिन मुझे ऑलरेडी करते हुए हो गए हैं तो आजकल मैं उठती हूँ फोर फोर्टी यानी साढ़े चार बजे समझ लीजिए या फिर पौने पाँच समझ लीजिए डेली उतने बजे मेरा उठना होता है और अभी ना क्लास हो चुकी है क्योंकि पाँच बजे से छः बजे तक होती है तो उसके बाद फिर मेरा एक्सरसाइज़ टाइम मतलब हल्का फुल्का बीस से पच्चीस मिनट की मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ ज़रूर कर लेती हूँ स्ट्रेचिंग और नॉर्मल हल्की फुल्की वाली और यहाँ पे होने वाला है सनराइज़ आप देख सकते हो लाली जो है सन की पूरी छटक गई है और यही सारे फ़ायदे होते हैं जब सुबह उठो ना तो सुबह बहुत ही खूबसूरत लगती है और जब भी साढ़े छः बजे के बाद आप उठो तो बड़ा डिप्रेशन सा फ़ील होता है ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की रेस में हम थोड़ा पीछे रह गए सबके साथ ऐसा नहीं होता है बट मेरे साथ हमेशा होता था जैसा कि मैंने बताया मेरे मन में हमेशा से था कि मैं किसी तरह अपने आप को पुश करूँ जल्दी उठने के लिए लेकिन आ, मेरा काम ही बहुत लेट फिनिश होता है क्योंकि यूट्यूब का भी कुछ एडिटिंग ये सब करते करते मुझे बारह साढ़े सोने में हमेशा हो जाता है और आजकल मैं सिर्फ चार साढ़े चार घंटे की नींद ले पा रही हूँ लेकिन हाँ देखते हैं ट्वेंटी वन डेज़ करके देखते हैं कैसा रहता है उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया क्योंकि तुरंत एक्सरसाइज के बाद पानी है, ऐसा कुछ नहीं पीना चाहिए और उसके बाद मैंने यहाँ पर नारियल आ, रखा हुआ था तो नारियल पानी पी रहे हैं अगर नारियल नहीं होता तो फिर जो लूकवॉर्म वाटर होता है उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के इस टाइम आप पी सकते हैं हस्बैंड भी उठ जाते हैं आजकल मेरे साथ ही उठ जाते हैं या फिर मेरे से आधा घंटा बाद उठ जाते हैं फाइव थर्टी तक तो वो अपना जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं और अभी मैं आराम से थोड़ी देर पानी पीऊँगी थोड़ा सा रिलैक्स और करूँगी क्योंकि ढेर सारा टाइम है इनफ टाइम है मेरे पास लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ प्रिपेयर करने का उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में और तैयारी स्टार्ट करूँगी तो आजकल कर पिछले छः सात दिनों से तो मेरा यही रूटीन चल रहा है और बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव फील होता है आ, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे एवरी डे गिल्ट होता था जब वो गिल्ट मुझे नहीं मिल रहा है तो मेरी स्टार्टिंग ही काफ़ी अच्छी हो रही है हालांकि मुझे पिछले पाँच छः दिनों से नींद पूरी नहीं मिली है बिकॉज सोना मेरा जल्दी नहीं हो पा रहा है आ, आ, उनके हिसाब से नाइन सो जाना चाहिए लेकिन मेरा काम ख़त्म होते, होते होते मुझे पौने एक साढ़े बारह इतना हो ही जाता है तो फिर कहाँ से नींद पूरी मिलेगी बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो सुबह उठने का है वो ख़त्म ना करूँ और देखते हैं अभी तो काफ़ी लंबा टाइम अभी टू वीक्स और हैं तो देखते हैं कैसा रहता है आपके साथ ये जर्नी तो शेयर करूँगी ही और अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ जिसके अंदर मैं एक सिंपल सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आलू मटर और गाजर की और साथ में उसके बन रही हैं ये पालक वाली पूरी पालक को मैंने ना एक रात पहले ही उबाल के रख दिया था तो इसीलिए वो अभी फ्रिज से निकाल के मैंने बाहर रखा है यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसके अंदर हरी मिर्च और प्याज़ डाला है जीरे का मैंने तड़का दिया है और हरी मिर्च प्याज छोंक दिया है उसमें बहुत ही सिंपल ये फाइव मिनट वाली सब्ज़ी है बट बहुत टेस्टी लगती है खासकर कचौड़ी या पूड़ी के साथ आप खाओ तो बहुत अच्छी लगती है प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हम उसके बाद आलू डाल देंगे क्योंकि जब हम आलू डालेंगे तो आलू के साथ भी प्याज बहुत अच्छे से भुन जाएगा यहाँ पर जैसे ही आलू थोड़ा सा भुन गया उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं कटे हुए और थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे इसके अंदर साथ में ऐड कर देंगे हम जिंजर गार्लिक का एक बड़ा चम्मच पेस्ट और इसको भी भून लेंगे अभी इसको खुला ही भूनना है जब तक जिंजर गार्लिक आपका उसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसके बाद बहुत हल्के हल्के से हम इसमें मसाले यूज़ करने वाले हैं जैसे आधा छोटी चम्मच से भी कम मैंने डाला है हल्दी पाउडर थोड़ा सा मिक्स सब्ज़ी मसाला लाल मिर्च का पाउडर जीरा का पाउडर ब्लैक पेपर तो ये जो हमारे मसाला डब्बा में हमारे मसाले होते हैं ना उनमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं और ये सब्ज़ी की सबसे खास बात यह है कि बिना मसाले के भी ये बन जाती है और टेस्ट वाइज भी अच्छी लगती है लेकिन अगर आप हल्का हल्का डालोगे ना तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो हल्के हल्के ही मैंने मसाले डाले हैं इनको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है आप यहाँ पे देख सकते हो कि मसाला जो है वो बहुत अच्छा भुना हुआ दिखने लगा है अभी हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है गाजर भी हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट करके ऐड कर दिया है अभी हमको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करना है इसके अंदर नमक ऐड करना है और इसको ढक करके हमको छोड़ देना है आ, तब तक जब तक कि गाजर और आलू जो है थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते दूसरी तरफ ये पालक जो मैंने बॉईल करके रखा था ना इसको मैं इस तरीके से हाथों से मसल लूँगी मैं इसको प्यूरे नहीं कर रही हूँ मिक्सी में नहीं डाल के पीसूँगी मैं इसी तरीके से इसको मसल लूँगी थोड़ा सा ताकि जो बड़े बड़े पत्ते हैं और डंठल टाइप के जो रहते हैं ना वो सारे अच्छे से पीस जाएँ तो ये जो पालक की कचौड़ी है ना इनको पालक की कचौड़ी ही बोलेंगे पूरी नहीं बोलेंगे ये मैं आज बनाने वाली हूँ मल्टीग्रेन आटे से मल्टीग्रेन आटे की जो कचौड़ी या पूरी जो भी अब बनाओ बहुत क्रिस्पी करारी है अच्छी बनती है और साथ में हम पालक डाल के बनाने वाले हैं तो बहुत टेस्टी ये बन के तैयार होंगी तो ये मल्टीग्रेन आटा इसमें तीन चार तरह का चीज़ें मैंने मिक्स करवाई हुई हैं और देखिए कितना मोटा पिसा हुआ आटा है तो इसमें कितना ज़्यादा ये जो वेस्ट है ये निकला है हालांकि जितना ज़्यादा छन्नी से बाहर आ जाए मैं कोशिश करती हूँ बहुत कम ही मैं थ्रो करती हूँ लेकिन बहुत जो मोटे मोटे होते हैं उनको आप नहीं खा सकते हो फिर वो रोटी में अच्छे नहीं लगते इस आटे के अंदर मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर रेड चिली पाउडर थोड़ा सा अजवाइन मैंने ऐड किया है और साथ ही में नमक इसके अंदर मोयन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पूरी कचौरी का वो आटा जिसके अंदर हम किसी भी तरीके का साग यूज़ करते हैं पालक मेथी बथुआ उसमें आपको मोयन डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यूं भी वो बहुत ही क्रिस्पी करारे बनने वाले हैं और ये तो फिर जो मल्टीग्रेन आटा है वो मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये तो ऐसे भी क्रिस्पी बन जाएगा पहले मैं पालक डाल करके और अच्छी तरीके से धीरे धीरे मिलाऊंगी उसका पानी भी मैंने अभी ऐड नहीं किया है पहले मैं सिर्फ पालक डाल रही हूँ धीरे धीरे मिलाकर देखेंगे कि हमें कितना ज़्यादा मॉइस्चर का ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे और जितना पालक और पानी आप देख रहे थे ना पतीले में उसी में हो गया था अलग से मुझे पानी इसमें ऐड नहीं करना पड़ा था बस ये आटा हम ढक करके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है सब्ज़ी में और 95% परसेंट आलू और मटर हमारे डन हो चुके हैं अभी मैंने थोड़े से इसमें मटर मिला दिए हैं इसको ढक दीजिए तब तक जब तक आपके मटर आलू और गाजर की तरह थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते बहुत ही सिंपल बेसिक वाली ये सब्ज़ी है बट ऐसी सब्जी का टेस्ट पता नहीं क्यों पूड़ी कचौड़ी इनके साथ बहुत अच्छा आता है बेसिकली आलू मटर और गाजर मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड ज़रूर कर दिया है उससे थोड़ा सा न्यूट्रिशन इसका बढ़ जाएगा उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ढेर सारे धनिया के पत्ते ये बहुत ज़रूरी है बिना धनिया के पत्ते डाले इस सब्ज़ी में कोई टेस्ट नहीं आने वाला तो धनिया के पत्ते डाल करके सारी चीज़ मिला दी है मैंने और बस ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन तैयार है तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है मैं जा रही हूँ सिद्धार्थ को उठाने के लिए बिकॉज़ उसकी भी क्लास वैसे तो अब लेट स्टार्ट होता है स्कूल सर्दियों की वजह से टाइम टेबल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है लेकिन फिर भी उसको टाइम पे अगर मैं नहीं उठाऊँ अगर स्कूल के हिसाब से उठाऊँ तो फिर वो रात में बड़ा लेट्स होता है तो इसीलिए कोशिश करती हूँ जो टाइम पे पहले उठता था ना उसी टाइम के आसपास मैं उसको उठा दूँ ताकि उसका रात का जो शेड्यूल है रात का जो रूटीन है वो बिगड़े ना तो अभी थोड़ा सा लगेगा इसको पाँच दस मिनट उठाने में बिकॉज़ बड़ा प्यार से तसली से उठाना पड़ता है और मैंने पहले भी बताया अभी एक मेरी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए कई लोगों की लोगों के कि बड़ा प्यार से आप उठाते हो सिद्धार्थ को तो मैंने पहले भी एक बार ये बात शेयर की है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जब सिद्धार्थ काफ़ी छोटा था उस समय मैंने बच्चों के ऊपर एक आर्टिकल था वो पढ़ा था जिसमें बताया था कि बच्चों को सोते समय बहुत प्यार देना चाहिए और उनको सुबह उठाते समय बहुत प्यार देना चाहिए बड़े प्यार से उठाना चाहिए ऐसे नहीं कि आप गुस्से में उठो बहुत लेट हो गया है और ये और वो करते हुए जैसे शायद मैं अगर वो आर्टिकल नहीं पढ़ा होता तो उसको उठाती उसी तरीके से कि तुम इतनी लेट तक सो रहे हो स्कूल शुरू हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है लेकिन उस आर्टिकल में ये लिखा था कि सोते समय और उठते समय जब हमारी आँख खुलती है उस समय बच्चा बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर फील करना चाहता है और उस समय अगर हम उसे प्यार दुलार देते हैं ना तो वो एक जो बॉन्ड बनता है ना पेरेंट्स और बच्चे के बीच में वो बहुत स्ट्रांग बनता है बेशक आप उनके उठने के थोड़ी देर बाद शुरू कर दो कि हाँ बेटा लेट हो रहा है जल्दी ब्रश करो जल्दी ये करो वो करो लेकिन एटलीस्ट फाइव टू टेन मिनट जब हम उसको उनको जगा रहे होते हैं नींद से उस समय जो है हमें बहुत ही पेशेंस और बड़े प्यार के साथ उनको उठाना चाहिए तो तब से वो चीज़ ना ऐसे दिमाग में मेरे छप सी गई तो रेयर ही होता है कभी कि मुझे मॉर्निंग में मैं उसके ऊपर गुस्सा करूँ जब एकदम ही नहीं उठता है वो तब थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि उसको प्यार से उठाऊँ और शाम को भी उसका सर पे थोड़ा सा मसाज करते हुए हल्के हल्के करते हुए मैं उसको सलाऊँ ताकि वो सिक्योरिटी और वो प्यार वो फील कर सकें तो चलिए यहाँ पे पूड़ियाँ बनती जा रही हैं और मैं बोलती जा रही हूँ तो जस्ट मैं ये जो कचौड़ियाँ हैं ना इनको मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ क्योंकि कोशिश करती हूँ आजकल कर ज़्यादा से ज़्यादा मैं सरसों का तेल यूज़ करूँ बाकी इसमें कुछ भी नहीं है जैसे हम और पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं ना वैसे ही हमें इन्हें बनाना है बस ध्यान रखिए कि ये कचौड़ी आपको थोड़ा सा मोटा बेलना है ज़्यादा पतला कर देंगे तो पापड़ की तरह हो जाएगा उसका दो रीज़न एक तो हमने इसमें साग डाला हुआ है दूसरा ये मल्टीग्रेन आटा है अगर आप नॉर्मल आटे में बनाते हो तो आप पतला बना सकते हो डेफ़िनेटली लेकिन अगर आप मल्टीग्रेन में बना रहे हो तो आप इसको थोड़ा मोटा रखें अगर आप पतला बेलोगे तो हो सकता है ये फूलें भी ना और बड़ी कड़क हो जाएंगी खाने में इसीलिए थोड़ा सा मोटा रख के आपको इन्हें फुलाना है इसीलिए इसको कचौड़ी बोलेंगे बिकॉज़ कचौड़ी थोड़ी मोटी मोटी सी होती है ना बस ये बना लूँगी और आज का टिफिन यही रहेगा और साथ में जो फ्रूट्स एंड ऑल वो मैं देती हूँ वो तो मैं देती हूँ तो अभी फटाफट पूड़ी बना लेती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि आज का टिफिन कैसा है आलू गाजर मटर की सब्ज़ी ये मैंने दी है इसके साथ में मैंने थोड़ा सा दही दिया है ताकि एकदम खाली सब्ज़ी और पूड़ी ऐसा फील ना हो दही डाल दिया मैंने थोड़ा सा साथ ही जो बुकनू वगैरह है वो तो मैं एक डिब्बे में छोटे से करके उनको दे के रखती हूँ वो उनके बैग में ही रहता है अगर क्योंकि कई बार लगता है ना थोड़ा सा पूड़ी के साथ खाने में अच्छा लगता है तो वो उनके साथ रहता है साथ ही एक सेब एक संतरा और एक बनाना मैं दे रही हूँ बनाना वैसे वो खा के जाते हैं घर से लेकर नहीं जाते हैं लेकिन अभी उनको खाने का मन नहीं किया तो मैंने पैक कर दिया है ये जाते ही वो वहाँ पर खा लेंगे इसके अलावा मीठे में जैसे गुड़पट्टी और तिलपट्टी आजकल मिल रही है ना तो वो भी एक छोटे से डिब्बे में करके उनके बैग में ही परमानेंट रखा है कि कभी कुछ मन करे ऐसे खाने के बाद खाने का तो गुड़पट्टी और तिलपट्टी खाने में सही रहती है हेल्दी भी रहती है तो थोड़ा सा खा लेने से अच्छा रहता है मन एकदम फ्रेश हो जाता है तो बस देखिए पौने न हो रहा है घड़ी में और अभी ऑफिस जाएंगे उसके बाद फिर मेरे दूसरे काम स्टार्ट होंगे लेकिन वो सारे काम करने से पहले मैं थोड़ा सा अभी पंद्रह मिनट के लिए फिर बैठूंगी थोड़ा सा पता नहीं मैं लगातार बहुत देर तक काम नहीं कर पाती हूँ मुझे बीच बीच में रेस्ट लगता है हमेशा तो अभी मैं एक गिलास पानी लेके बैठूँगी और साथ में अपना बनाना जो मैं मॉर्निंग में खाती हूँ एक बनाना मुझे चाहिए ही चाहिए होता है सुबह में इससे क्या होता है आगे के काम करने की आपको एनर्जी मिल जाती है एकदम से फिर ब्रेकफास्ट का इंतज़ार आप करो ना तब तक तो फिर एनर्जी डाउन होने लगती है तो बीच में कोई फ्रूट या कुछ ऐसा खा लो जो भी पसंद है जैसे मुझे सुबह बनाना लेना पसंद है आपको जो भी फ्रूट पसंद हो वो खा सकते हो नहीं तो ड्राई फ्रूट जैसे हम सोक करके रखते हैं ना आलमंड्स वग़ैरह वो भी आप सुबह खा लीजिए तो फिर आगे का काम करने के लिए एनर्जी रहती है तो ये तो मेरा रूटीन हमेशा ही रहता है चाहे मैं सात बजे उठूँ चाहे साढ़े और चाहे अभी सुबह एक बनाना मैं खा लेती हूँ और अभी ये घर के काम देखिए झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए भी पूनम आती है तो वो तो मैं नहीं करती हूँ सुबह ओबियसली वो आएगी तब होगा तो सुबह के जो और दूसरे काम होते हैं जैसे बेड बनाना उसके बाद अगर डस्टिंग है डस्टिंग डेली कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती है क्योंकि सर्दियाँ उतनी डस्ट अभी घर में आ नहीं रही है तो फिर अल्टरनेट डे पे हो जाती है या जब गंदा होता है तब हो जाता है तो हर दिन का मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ कि आज मुझे ये एक्स्ट्रा काम करना है आज मुझे ये एक्स्ट्रा काम करना है और एक टाइम लिमिट के अंदर मैं उसको निपटाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि फिर मुझे आगे और कामों के लिए बैठना पड़ता है तो आज जैसे कल का मेरा टारगेट था मुझे बाथरूम क्लीन करना था तो कल मैंने बाथरूम क्लीन कर दिया आज मुझे डाइनिंग टेबल सबसे पहले सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले सात दिनों से सिद्धार्थ का एग्ज़ाम वगैरह साथ क्या आठ नौ दिन हो गए हैं बीच में छुट्टी वगैरह हटा करके तो ये पूरा स्टेशन उसने बनाया हुआ था अपना एग्ज़ाम्स का क्योंकि जो मेरा स्टडी टेबल है वो बहुत छोटा है तो वहाँ पर लैपटॉप रखना फिर बुक्स अरेंज करके रखना और कैमरा ऑन रहता है मैम देखती रहे एक एंगल होता है प्रॉपर तो वो छोटा सा मेरा स्टडी टेबल है उस पर उसका बन नहीं पाता था तो उसने पूरा डाइनिंग टेबल को अपना पूरा स्टडी स्टेशन एंड एग्ज़ाम देने का ये जगह बना रखा था तो आज मैंने इसको क्लीन करके फिर खाने पीने के लिए तैयार किया है और उसकी बुक्स वगैरह भी काफ़ी रखी थी सुबह तो वो तो मैंने सुबह ही हटा दी थी और उसके बाद डस्टिंग वगैरह करके हर चीज़ साफ़ सुफ़ करके मैंने रखा है यहाँ पर नहीं तो दिन रात वो बस यहाँ पर पढ़ भी रहा है यहाँ पर अपना एग्ज़ाम भी दे रहा है और अपनी बुक्स भी यहीं जमा के रखता था कि मुझे बार बार अलमीरा से जा निकालना पड़ता है मैं जब तक एग्ज़ाम चल रहा है मैं यहीं रखूँगा और आज का मेरा जो एक्स्ट्रा काम है जो मैंने आज निकाल के रखा है वो है मंदिर की क्लीनिंग करना सारी चीज़ों को अच्छे से जमा के रखना और पूजा के बर्तन निकाल करके वॉश करना तो वो मैं आज करने वाली हूँ तो फटाफट मैंने नहा लिया क्योंकि मंदिर मंदिर की सफ़ाई में थोड़ा सा समय लगता है हर चीज़ आपको सोच समझ के धीरे धीरे आराम आराम से मैं करती हूँ तो इसी मैंने नहा लिया है अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा आई थिंक टेन हो रहा होगा पूजा करने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ तो ये है मेरी थाली सब्ज़ी और इसके साथ मैंने दही लिया इस पूड़ी के साथ में ना दही बहुत अच्छा लगता है चाहे वो तो आप बूंदी का रायता कर लो या फिर प्लेन दही में थोड़ा सा ब्लैक पेपर रेड चिली पाउडर थोड़ा सा नमक डाल करके आप खाओ बहुत अच्छा लगता है सिद अपने जो एक उसका बिग ब्रेक होता है ना बीच में एलेवन ओ के आसपास उसमें वो बाथ लेता है बाकी उसने ब्रश वग़ैरह कर लिया है और वो खाता भी थोड़ा लेट है लेकिन अभी उसका ना पूड़ी वगैरह देख के मन किया कि मैं खाऊं तो इसलिए उसने मेरे से बोल दिया कि मम्मा आप खाते खाते मुझे भी खिला देना अभी उसका बीच में दस मिनट का हर क्लासेस के बीच में ना टेन मिनट्स का ब्रेक होता है और बीच में फिर एक बिग ब्रेक होता है जिसके अंदर जनरली वो नहाता है और नहाने के बाद फिर खाना खाता है तो आज उसका मन हो गया तो मैंने सोचा ठीक है तुम बैठो दस मिनट के ब्रेक में जितना हो सकेगा मैं तुम्हें तो खिला दूंगी तो अभी मैं उसको खाना खिला रही हूँ सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए क्या हुआ कि मैं सुबह का मॉर्निंग जो व्लॉग है मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो शूट कर पाई सबसे पहले बात तो यही है मेरा मॉर्निंग रूटीन हमेशा ऐसा रहता है लेकिन जो अभी साढ़े चार बजे से शुरू हुआ वो एक्चुअल में साढ़े छः पौने सात या कई बार सात बजे से स्टार्ट होता है बाकी रहता है ऐसा है लेकिन मैं कभी शूट नहीं कर पाती थी बिकॉज मुझे सुबह टाइम ही नहीं मिलता था सुबह उठो और उसके बाद हड़बड़ी में जो सारा काम है वो करो एक कहते हैं ना पीसफुली आप हर चीज़ को नहीं कर पाते हो क्योंकि समय नहीं रहता है बैक टू बैक आपको करते रहना पड़ता है तो इसी आज टाइम मिला तो सबसे बढ़िया बात हो गई कि ये रूटीन शूट हो गया बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप अपना रूटीन शूट कीजिए लाइक मॉर्निंग रूटीन नाइट रूटीन तो मैं कोशिश करूँगी कि इस टाइप के रूटीन वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा बड़ा कंजूसी में लाइक्स मिल रहे हैं आपके लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चलिए आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय